आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियां प्रथमेश के साथ, और आज की कहानी है लड़के गुड़िया से खेलते नहीं। हर रात की तरह आज भी मम्मी पापा के कमरे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वैसे तो वो मुझे रोज 10 बजे सोने भेज दिया करते थे, पर मुझे नींद आती ही नहीं। अगले दिन स्कूल जाना होता तब भी मम्मी और पापा लगभग हर रात को ऊंची आवाजों में अपने विचारों का प्रदर्शन और प्रकरण करते, मुझे सब सुनाई देता। समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं और किस संदर्भ में, पर सुनाई जरूर देता। कभी कभी सच कहूं तो डर भी लगता कि ऐसा भी क्या है जो दोनों दिन भर एक दूसरे को कह नहीं पाते और अंधेरे आलम में अचानक इतना कुछ पट कर निकल आता है। बंद कमरे में रहने का दबाव शायद हर कोई नहीं सह पाता, मैं भी नहीं। इसलिए कभी कभी छुप कर मैं अपने कमरे में ही गुड़िया से खेल लिया करता हूँ। रोमी, लड़के गुड़िया से खेलते नहीं, तुम ये लाए भी कहाँ से? मम्मी को लगता था कि मैं दर्शन के साथ नीचे फुटबॉल खेलने जाता हूँ, पर मैं तो गरिमा के साथ घर घर खेलता था। गरिमा अच्छी लड़की थी, वो अच्छी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बनेगी या नहीं ये तो पता नहीं, पर अपने पति को खुश जरूर रखेगी। आपको पता है 13, 17 और 19 के पहाड़े वह फर्राटा गति से मुख जबानी बक देती, कुछ तो बात थी उसमें। और गरिमा ने ही मुझे गुड़िया दी थी खेलने के लिए। रात को जब डर लगता और गूंजते हरफों का खौफ मुझे सताता, तो मैं चादर सर पर ओढ़कर घर घर खेल लिया करता। एक रात जब गुड़िया के साथ मैं भूगोल का होमवर्क कर रहा था, तो मैंने मम्मी पापा के कमरे से कांच टूटने की आवाज सुनी और फिर सुना पार्थिव सन्नाटा। ये तो नया था। मन में अचानक कुछ घबराहट होने लगी, तो जियोग्राफी का गृह कार्य किनारे करके मैं अपने कमरे से बाहर आ गया और मम्मी पापा के कमरे तक छटाक भर की छलांग लगाकर पहुंच गया। आवाज पैरों की बिल्कुल भी नहीं की, शांति। मैं दरवाजे का हैंडल घुमाने ही वाला था कि तभी ताले के छेद से मैंने परछाइयों को तांडव करते देखा। उस छोटे से छिद्र से मैंने सरपट हाथों के घमंड का खौफ देखा। अम्मा के माथे के सूखे सिंदूर को लाले तरल में घुलकर बहते देखा, काली परछाइयों को लहू होते देखा। रोमी, तुम गुड़िया लेकर ही सो गए? मैंने देखा कि सुबह हो गई थी। भूगोल का गृह कार्य करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और न जाने मैं कब सो गया। रोमी, ये क्या है? गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग था, होगा ही ना? कह रही थी कि श्रीलंका भारत का हिस्सा है। अगली लड़की मानी ही नहीं तो फिर क्या, कर दिया अलग सर को धड़ से। माँ गुड़िया का सर ढूंढ रही थी, उन्हें शायद नहीं मिलेगा। खिड़की से बाहर फेंक दिया था मैंने रात में, ताकि कोई बातें ना बनाए। जब सर ही नहीं मिलेगा तो लोग मानेंगे ही कैसे कि गुड़िया के पास सर था। मैं भी कह दूंगा ये ऐसी ही है, उसके पास माथा ही नहीं, दिमाग ही नहीं। इसकी आज क्या, आगे से भी कोई बात नहीं मानेगा। श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है, मान जाती तो अच्छा होता। मम्मा ने गुड़िया मेरे से ले ली। उस दिन स्कूल से आने के बाद गुड़िया हमने गरिमा को लौटाई। मम्मा ने गरिमा की मम्मी से बहुत माफी मांगी। गरिमा की गुड़िया का सर नहीं था। इस बात पर वो ऐसे नाराज हुई कि मेरे साथ कभी 13 का क्या, 7 का पहाड़ा कहने को भी नहीं आई, और कभी खेलने भी। जब मैंने एक दिन पूछा क्यों, तो एक घोर घिनौनी शक्ल के साथ ताज्जुब भरा जवाब मिला। लड़के गुड़िया से ऐसे खेलते नहीं, ऐसे खेलोगे तो कोई तुम्हें अपनी गुड़िया नहीं देगा और देनी भी नहीं चाहिए। और अगर ऐसे ही खेलना है तो किसी की गुड़िया लेना भी मत। किसी और की भी गुड़िया हो तुम्हारे पास तो उसे भी लौटा देना। गरिमा चली गई, माँ वहीं खड़ी थी। क्या गुड़िया को अब लौटा देने का वक्त आ गया है? अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस कहानी का आप सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं इसे कुकू FM पर। धन्यवाद।